लोग जानते हैं कि आज जो है ग्वालपुकर वन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से विजय सम्मेलन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे मौजूद रहेंगे हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, वो भी बस चंद मिनटों में पहुँचने वाले हैं। हमारे जिला के प्रेसिडेंट जनाब कन्हैयालाल अग्रवाल साहब यहाँ पे मौजूद है, अभी आई हुई है पंपा सरकार मैडम। यहाँ पे मौजूद है हमारे सीनियर लीडर लाल हाजी साहब, हमारे जैनुल भाई जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे फारूक भाई और हमारे महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट सबीना यास्मीन और 14 अंचल से आए हुए सभी प्रधान, अंचल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रधान, मेम्बरान और हमारे माए बहने मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, और अंचल के महिला प्रेसिडेंट सब और शाखा सेल के सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट। जैसे आप लोग को शॉर्ट टाइम में जो मैसेज दिया गया था कि आप लोग कम से कम हर अंचल से 50-50 आदमी लेके आइएगा, हम लोग बहुत कम वक्त में ही, जैसे आप लोग को पता भी है कि आज BAY बांग्ला आवास योजना का जो इंक्वायरी चल रहा है कि वो जल्द से जल्द मीटिंग को खत्म भी करना है, और फील्ड में फील्ड ऑफिसर भी है और हमारे प्रधान, उप प्रधान, मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर सब कोई यहाँ पे है। तो मीटिंग हम लोग 12 बजे तक इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। मंत्री साहब भी विपरीत में है और हमारे जिला प्रेसिडेंट भी रहने वाले हैं, तो ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे एक समस्या आया था बांग्ला आवास योजना को लेकर के, जो सभी प्रधान लगभग फोन करते थे, अंचल प्रेसिडेंट भी बोलते थे कि जो लोग बाहर में हैं, अभी जो इंक्वायरी चल रहा है मैक्सिमम अगर हम लोग देखेंगे तो माइग्रेंट लोग यहाँ से हम लोग कहीं केरला पानीपत वहाँ पे जो गए हुए हैं, तो इन लोग जिनका नाम है लिस्ट में तो क्या होगा, क्या उन लोगों को आना पड़ेगा, एक माहौल बना हुआ था। सबको प्रधान पे फोन करते थे, मेंबर्स लोग बोल रहे थे, जैनुल भाई साथ में थे उस दिन, तो हम लोगों ने BDO साहब के पास बैठा और मंत्री साहब को भी बोला कि ऐसा मामला है कि लगभग जो नाम है यहाँ पे अभी जो लिस्ट में जो फाइनल आया है 29,852, इसमें जो सेंक्शन जो हुआ है 4,852, जो ये 23 और 24 वाला फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट होगा लगभग 23 दिसंबर तक जो 4,852 है इनका जो पैसा डिसबर्समेंट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम आया था, जो लोग बाहर में है इन लोगों का होगा क्या, ये लोग कैसे आएंगे। कुछ लोग जो है पंजाब में जो 3-4 रोज पहले कबली चले गए हैं, वो तो बोले थे कि वहाँ का जो नियम है कम से 20-25 दिन रहना होगा, और ये 30 तारीख जो है आखिरी डेट है। तो फिर मंत्री साहब को बोला गया कि ये प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा देखिए कि हम लोग का इलाका जो है ग्वालपकड़, चाकोलिया, इस्लामपुर, करंदी के ये जो सब डिवीजन है, इसमें जो ज्यादातर लोग माइग्रेंट है दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे दीदी से बात करके आप थोड़ा देखिए इस मामला को हल कीजिए। तो बहुत खुशी की बात है, मंत्री साहब वहाँ पे बात किए, हमारे दीदी जो माननीय मुख्यमंत्री है उनसे बात की, मैसेज किया DM साहब को, DM साहब BDO साहब का जो है मुझे 10:30-11 के आसपास मैसेज किया कि नहीं जो आपने बोले थे प्रॉब्लम लेकर के, जो प्रधान लोग जो समस्या आ रहा था, जो दिक्कतें आ रहा था कि बाहर के जो लोग हैं वो कैसे आएंगे, तो उन लोगों को आने का जरूरत नहीं है, उनके डाटा में जो नाम है उनके डाटा के नाम के हिसाब से, उनका अगर वाइफ हो, उनका लड़का हो, कोई उनका जो भी ये डाटा होता है डाटा के उसका नाम होने से उनको जीओ कर लिया जाएगा। तो ये मैं मुख्यमंत्री का, हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बाहर में जो लोग भी है और उन लोगों को आने का जरूरत नहीं पड़ाते हुए, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि बोलने के लिए बहुत कुछ है और टाइम भी कम है, पता ही है सबको, जितने भी प्रधान मेंबर है प्रधान लोग बोल रहे थे हमको कि जल्द से जल्द हम लोग को छोड़ देना होगा, तो मैं कहा था कि नहीं आप लोग 10:30 बजे पहुंचिए, इंशाल्लाह 12 बजे तक हम लोग मीटिंग खत्म कर देंगे। जे जनो तो ले रे भाबू बुझे ना, तार संगे नहीं छे ना जाना, आसुर सोना छाड़िया गेले नकल सोना, से जनो बाबू बुझे ना, से जन दल बुझे ना, से जन बाबू बुझे ना। जय बांग्ला, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहेब जिंदाबाद, गुलाम रसूल साहेब जिंदाबाद। এখানকার আমাদের যার কথা এখন আমি হয়তো ভুলে গেছিলাম, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, এখানকার আমাদের সবাই সবারই আইকন আহমদ রেজা সাহেব, সত্যি আমরা এমন একজন ব্লক প্রেসিডেন্ট পেয়েছি যার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা মিটিং খুব সুন্দরভাবে আমাদের হয়, যে কোনো কাজের জন্য যে কোনো সময় আপনারা আসেন আমাদের আহমদ রেজা সাহেবকে কিন্তু সবাই আমরা কাছে পাই, তার ওর জন্য ওনার জন্য একটা সবাই হাততালি জোরে হাততালি দিবেন, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, জয় বাংলা। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बातों को रखी। मैं प्रधान, हर अंचल के प्रधान से गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्टेज के ऊपर आ जाए। प्रधान साहब सीनियर लीडर जनाब लाल हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे
पोडियम में आए और अपनी बातों को रखें। जनाब लाल हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ बहुत 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 शुक्रिया जनाब दिल हक साहब को आइए और अपनी बातों को रखिए। সবাই যারা নেতৃত্ব ব্লক প্রেসিডেন্ট সভাধিপতি সহকারী সভাধিপতি এবং যারা মিনিস্টার বা এমএলএ রয়েছে তাদের দিয়ে হবে না। আমরা প্রত্যেকেই ভেবে নিতে হবে, আমরা প্রত্যেকেই মন্ত্রী, প্রত্যেকেই আমরা ব্লক সভাপতি, আমরা প্রত্যেকেই আমরা সিএমসি নেতা। সেইভাবে আমরা যদি বিভিন্ন জায়গায় কাজকর্মে লেগে যাই, আশা করি 2026 সালের বিধানসভায় আমরা ব্যাপক এখান থেকে লিড নিয়ে আমাদের যে দলীয় প্রার্থী হবে তাকে আমরা জয়লাভ করব। এই বলে আমার সকলকে বিজয়া সম্মেলনীর পক্ষ থেকে এবং আমাদের গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, গোলাম রব্বানি সাহেব জিন্দাবাদ, আপ সব জিন্দাবাদ।